हाय वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिराज मलेशिया। मिराज मलेशिया का सेकंड ब्लॉग भी आ चुका है जो पिनांग सिटी का ऊपर हो रहा है। ये भी एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है, आप जाके देख सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और क्या बताएं, मलेशिया का ये वाला टेम्पल का नाम है बुद्धिस्ट टेम्पल, जो थाईलैंड के जैसा मिलता जुलता है। ये आप जाके देख सकते हो और पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और कुछ जानने का ज़रूरत है तो, और कुछ जानना भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और मैं यूट्यूब चैनल में अभी नया आया हूँ, इसलिए कुछ गलती हो रहा है तो आप बहुत बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। फ़्लाइट टिकट आप कोई भी अच्छे से वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हो, जो आपको चीप में मिल जाएगा वहाँ से बुकिंग करके बता सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ और एक छोटा सा विलेज से। चलो मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपको दिखाने वाले और एक तो और मूर्ति देख रहा है, कितना खूबसूरत लगेगा ये वाला, कितना खूबसूरत लगेगा ये वाला। सिर्फ चाइनीज़ का बना हुआ है, चाइनीज़ का स्टाइल का जैसा, चाइनीज़ का जैसा बनावट किया है। इसका अंदर जितना भी है सब पॉइंट डाला हुआ है, चाहे कोई पेयर है, कोई ईस है, उसको मांगने के लिए करा। आप देख सकते हो कछुआ को भी देख सकते हो आप। ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाऊँगा, ज़्यादा नीचे लेके जाऊँगा तो गिर जाएगा। इसको देख सकते हो आप, इसको देखो नज़दीक में। फोटो खींचने के लिए बोल रहा है, इसको फोटो खींच सकते हैं। और एक चीज़ देख सकते हो, सिनेमा जो है जमीन पर बैठा हुआ है, प्लास्टिक का प्लास्टिक जमीन पर बैठा हुआ है, प्लास्टिक का है। हाँ, प्लास्टिक का है। यहाँ पे इससे पुलिस पुलिस का नाम भी दुआ हो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ के यहाँ पे आ सकते हो। मलेशिया का पिनांग सिटी। चलो दिखाता है और भी कुछ प्लेस। ये मलेशिया सिटी का पिनांग सिटी का ग्रैब बुकिंग करके आ सकते हो आप। लोकेशन में बता दूंगा वीडियो के मिडिल में, जो वीडियो का पहले में बता दूंगा मैं। और एक तो चीज़ है यहाँ पे, इसका अंदर, इस पानी का अंदर आप देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया मछली यहाँ पे, इसको फिशरिंग करके रखा है। ये वाला कौन सा फिश है पता नहीं, ब्लैक कलर का, इधर में तो और भी बड़ा हो रहा है। ये पानी का ऑक्सीजन का जैसा काम करता है। इधर में देखा है इतना बड़ा बड़ा पीछे गिर गया, देख सकते हो सारे गिर गए हैं। साइंस का बना हुआ है यहाँ पे, तो टेम्पल है ये गिर गए मिलती है ऊपर में, सब क्या बन रहा है उनको पता नहीं का है। इस साइड में देख सकते हैं पानी के अंदर बहुत फिशिंग प्लांट है, इसका अंदर इतना भी कुछ ऐसा फिशिंग प्लांट है, फिशिंग प्लांट नहीं कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो जो इसको दो कर 10-15 टो पीस को छोड़ के इधर पे रखा हुआ है, जो गेस्ट भी देखे, ट्रैवलर भी देखे और भी दिखाता है। आ जाओ गेस्ट जा रहे,
कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और भी दिक्कत है इधर में बहुत कुछ। ये सब बुद्धिज्म थाई स्टाइल का है, मतलब थाईलैंड स्टाइल का जैसा कॉपी किया हुआ है, हैं ये देख सकते हो मेरे सामने है, बोर्ड में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं आपको दिखा देता हूँ सामने से। ये बुद्ध जी ये तरह, चलो इसका अंदर कुछ नहीं है, देखने में चीज़ इधर में ही है। पानी का अंदर क्या हो रहा है, देखो सिर्फ इधर में पीसी तो और भी बहुत बढ़िया है। इधर में थोड़ा सा वाटरफॉल भी है, इसमें चाइनीज लोग का गॉड ऊपर में भाग रहा है, ये लोग पीछे से उसको पकड़ के, उसको पकड़ के घोड़े का जो पीछे वाले हैं उसको पकड़ के रखा है, ये लोग ईज कर रहा है। ये वाला राउंड जैसा घूर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग को दीपावली में, दुर्गा पूजा में अंजलि करते हैं ना, ऐसे कुछ है तो मेरे को पता नहीं। ये मेंढक, इतना मेंढक, इतना बड़ा मेंढक कहाँ से आ गया भाई, इतना बड़ा मेंढक कहाँ से आ गया भाई, ये बना बैठेगा रास्ते में। पूछ सकते इधर से इसे वाटरफॉल को देख रहे हो ना, इसे ऊपर से तो मोटर का पाइप लाइन से वाटर कलर और भी नहीं है, सब आर्टिफिशियल से तैयार हो रहा है। जितना कुछ है सब आर्टिफिशियल है, सब थाई स्टाइल का है। इन लोगों का गरुड़, हम लोग को हिंदू हिंदू टेंपल में जो गरुड़ रहता है ना, उसका जैसा कुछ फेस है इसका, उसका जैसा इसका कुछ फेस है। इसको चाइनीज़ में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, चाइनीज़ में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, इसको जैसे इसका फेस है गुरु जिसको बोलता है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ इस लोग को, गुरु कहता है लोग, सब थाई स्टाइल का, जितना कुछ है सब थाई स्टाइल का। और भी टेम्पल है, सब बुद्धिज्म के बारे में है। ये वाला कोई किंग साइड होगा, एक तो रोज़ लेके खड़ा है, पता नहीं किसको देगा, ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, अकेला खड़ा है, खड़ा होने तो। इसका अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, वॉज द डेफिनेटली ओपन द संडे 15 डेज 21। कोई बात नहीं, ये वाला 10-12 साल जैसा हो गया ओपनिंग हुआ है, नया जैसा बनाया है। चलो इसमें चाइनीज में लिखा हुआ है, तमिल भी लिखा हुआ है, पता है तमिल का थाई में मेरे को पता नहीं नीचे में कौन सा लैंग्वेज में है। चलो कोई बात नहीं, इसका बनावट देखो, एक तो मूर्ति देखो कितना खूबसूरत से बना हुआ है, दोस्त वो आ गया। और एक तो अरे परिया जैसा है, उड़ता है आसमान में ना, किधर पे पता नहीं मेरे को, देख लो अंदर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, अभी दिखा पाता है। ये सब मलाई में मलाई का लैंग्वेज में लिखा है, मलेशिया के लैंग्वेज में, इधर में लैंग्वेज में थाई का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलो आप लोग को पढ़ना आता है तो पढ़ लेना गूगल ट्रांसलेशन से, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो यहाँ पे आने के लिए पिनांग सिटी से मेरे को लगा है 26 रिंगिट, जो इंडियन मनी में होता है 400 रुपये, ठीक है। आप दोस्त वगैरह लेके आ सकते हो कि अकेला आ सकते हो, लेकिन आपको जल्दी में आना चाहिए कि बस सेफ्टी में आना चाहिए, तो आप लोग ग्रैब ले सकते हो जो 26 रिंगिट लेगा, 20 रिंगिट कभी भी लेगा। और अब बस में आना चाहते हो तो इधर से बस से हो सकता है, बस शायद नहीं है, शायद ट्रेन से आ सकते हो, लेकिन आपको लोकेशन से ढूंढने से आना पड़ेगा, उधर में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपका हाथ में टाइम रहेगा, टाइम रहता है तो आप आ सकते हो ट्रेन से लेके, नहीं तो आप जल्दी में आ सकते हो कि सेफ्टी से आना चाहते हो, बहुत क्विकली काम करना चाहते हो, देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप लोग ग्रैब लेके आ सकते हो। चलो मिलते हैं दूसरी जगह में।